अब ये जो होता है ना, ये इतने में तो ठीक लग रहा है ये, लेकिन अगर आप इसको ऐसे मोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये फिर टूटने का डर इसमें हो जाता है। टूट ही गया। वेलकम बैक इन ए न्यू वीडियो, और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार डोर वाइजर के बारे में, जिसको आप कार रेन वाइजर या कार विंड वाइजर भी लोग बोलते हैं। तो कार डोर वाइजर कौन सा बढ़िया होता है इसकी बात कर लेते हैं। और दो तरह के वाइजर हैं हमारे पास, दो क्वालिटी हैं। इसको बोलते हैं थर्मोफॉर्मिंग, सीट के हैंड मोल्डिंग होते हैं ये वाले, और एक ये आजकल आ रहे हैं जो डाई मशीन से बनते हैं, वो वाले इंजेक्शन मोल्डेड वाइजर इसको बोलते हैं। ऐसे ये नाम इसके अंदर प्रिंटेड होगा, और इनके अंदर जो नाम है वो ऐसे एक तरीके से मार्का सा नहीं लगा होता जैसे स्क्रीन प्रिंटिंग का, कुछ इस तरीके से इनके ऊपर नाम होता है। अगर जल्दी जल्दी अगर बात करें कि डोर वाइजर लगाने क्यों चाहिए, आप बारिश के टाइम पे बहुत काम आते हैं, थोड़ा सा शीशा अगर आप डाउन कर दें तो पता नहीं लगेगा, और अंदर जो है वो मॉइस्चराइज नहीं बनेगा, जो फ्रंट शीशे पे जो वो भाप सी आ जाती है, तो वहां से थोड़ा सा क्रॉस वेंटिलेशन होता रहेगा। यही काम आप ज्यादा गर्मी में भी कर सकते हैं, जैसे गाड़ी खड़ी हुई है हल्का सा डाउन कर दें, पता भी नहीं लगेगा कि गाड़ी का शीशा थोड़ा सा डाउन है, और उसके अंदर बहुत ज्यादा जो हीट एकदम बन जाती है ना, वो नहीं बनेगी उससे। तो यही होता है बेसिक पर्पज, और अच्छा लगता है, लुक के लिए बिकता है सबसे बड़ी बात। तो आपको कौन सा वाइजर लेना चाहिए? देखिए, पहली बात तो है आपको इंजेक्शन मोल्डेड वाइजर लेना चाहिए। अब इसके अंदर बहुत सारे कलर ऑप्शन आते हैं, जैसे ये आपको देख सकते हैं आप, इसको ये डार्क ब्लैक है, आप अगर चाहें तो डार्क ब्लैक भी ले सकते हैं, स्मोक भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि स्मोक जो होता है वो थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का होता है, यानी फ्रेश क्वालिटी का आप कह सकते हो, लेकिन बहुत लोगों को ब्लैक भी पसंद आता है कि पूरा डार्क ही रहना चाहिए, क्योंकि स्मोक में से वो फिर आर पार दिखता है तो फिर उसका कोई फायदा नहीं रहा। तो आपकी मर्जी है। इसके अंदर एक आता है ये सीट वाला थर्मोफॉर्मिंग हैंड मोल्डिंग, एक आता है ये इंजेक्शन मोल्डिंग। इसके बाद इसके अंदर बहुत सारी क्वालिटी आती है इंजेक्शन मोल्डेड के अंदर ही। इसके बाद जैसे इसमें आ जाएगा स्मोक वाला, फिर आ जाएगा एक क्रोम बिडिंग वाला, जिसमें इस पॉइंट पे यहाँ पे क्रोम लगी होगी, यहाँ पे पूरी क्रोम आ जाएगी, वो भी लुक का ही खेल है, पूरा का पूरा लुक के लिए आता है। लेकिन आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर जो मेन मकसद है वो है ये देखने का कि ये हैंड मोल्डिंग और ये जो है इंजेक्शन मोल्डेड, इन दोनों में कौन सा बढ़िया है, यानी मजबूत कौन सा है। देखिए, हम लोग तो जितना भी कोशिश करते हैं, अगर हमें कहीं बाहर भेजना हो तो इंजेक्शन मोल्डेड ही देते हैं, लेकिन बहुत जगह आपको अभी भी थर्मोफॉर्मिंग हैंड मोल्डिंग वाले ये सीट वाले मिल जाएंगे। इनका माइनस पॉइंट ये होता है कि ये रास्ते में भी कई बार टूट जाते हैं, इनकी जो क्वालिटी होती है ना इतनी हल्की होती है, तो बैंड वगैरह जो मतलब अगर कहीं दब गया, पैर वैर रखा गया, तो वो वाला माइनस पॉइंट है। जैसे गाड़ी खड़ी हुई है, ये लगा हुआ है, कोई सहारे लग गया, तो थर्मोफॉर्मिंग जो ये वाले सीट वाले वाइजर जो होते हैं, गर्म करके सीट को बनाए जाते हैं दबा के, तो ये वालों का माइनस पॉइंट यही है कि अगर मान लो कोई सहारा भी लग गया ना डोर वाइजर के, तो भी अक्सर टूट जाते हैं। और डोर वाइजर जो होता है, या विंड वाइजर आप जो भी इसको कहना चाहिए, विंडो वाइजर कह सकते हैं, तो ये सेट ऑफ गाड़ी, यानी जैसे सेट ऑफ फोर है तो सेट ऑफ फोर आएगा, सेट ऑफ सिक्स है तो सेट ऑफ सिक्स आएगा, यानी आपको लूज नहीं मिलेगा। और नॉर्मली एक ही पीस टूटता है तो सारे तो टूटते नहीं है, तो एक पीस के खराब होने की वजह से फिर आपको सारे के सारे ही चेंज करने पड़ते हैं। अब इसके अंदर लगाने का तरीका जो है वो बिल्कुल सिंपल है, ये जो नीचे पीछे जो इसके टेप लगी हुई है 3M वाली, इसको निकालना है और इसको चिपका देना है। कैसे लगाना है इसके लिए हम ऑलरेडी कई वीडियो बना चुके हैं, आप देख सकते हैं, उनको भी लिंक डाल देंगे, सबके अंदर ऐसे ही टेप आती है। तो इसके अंदर हम आपको एक बार दिखाते हैं, हमारे पास ये दो तीन वाइजर हैं, इनका एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ही यही है कि ये ज्यादातर वजह के अंदर जो होते हैं ना, ये आप देखिए एक बार, इसको मैं थोड़ा पीछे से दिखाता हूँ आपको, ये अनब्रेकेबल इनको बोला जाता है, इसलिए ये देखिए ये अनब्रेकेबल है। आप ये देखो, ये इतना बेंड होने के बाद भी ये नहीं टूटता। ये वाला जो वाइजर है ये रिट्स का है, ज्यादातर गाड़ियां इतनी ही फ्लेक्सिबल होती हैं, एक आधी गाड़ी जिसमें यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे लाइन बन जाती है ना, जैसे यहाँ से मुड़ गया है मान लो शिफ्ट का है, वो इतना बेंड नहीं हो सकता, लेकिन क्वालिटी ऐसी है, मतलब अनब्रेकेबल क्वालिटी होगी, टूटेगा वो भी नहीं। लेकिन जो है बेंड आप देख सकते हैं इसका, ये देखिए ये इस हालत तक ये जा सकता है, तो आप समझ ही सकते हैं कि ये कितना अनब्रेकेबल है, यानी कि अगर कोई सहारे वाले गाड़ी के लग जाता है तो टूटने का फिर उसमें कोई रिस्क नहीं है। ये रिट्स का वाइजर है, आप देख ही सकते हैं, इस पे सुजुकी, इस पे आगे वाले पीस पे ये लिखा हुआ है ये यहाँ पे, तो ये रेट्स है। अब बात करते हैं ये वाला, ये कोई मारुति अल्टो या मारुति अल्टो का है शायद, मारुति लिखा हुआ है, तो ये है सीट वाला। अब ये जो होता है ना, ये इतने में तो ठीक लग रहा है ये, लेकिन अगर आप इसको ऐसे मोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये फिर टूटने का डर इसमें हो जाता है। टूट ही गया। तो ये इतना ज्यादा नहीं मोड़ सकता, आप इसको बस इतना ही मोड़ सकते हैं, आप थोड़ा बहुत ही, अगर ज्यादा इस पे गए, अब ये भी पहले से बेटर क्वालिटी के आ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जो भी ये हैंड मोल्डिंग वाले होते हैं सीट वाले, ये बहुत घटिया होते हैं इस मामले में, टूट जाते हैं, तो इस वाले से बचें कम से कम। सीट वाले की यही माइनस पॉइंट है कि अगर आपने वो ले लिया तो ऐसे टूटने का डर है, और फिर आपको पूरा सेटअप जो फोर या सिक्स ही मंगवाना पड़ेगा। अब अगर बात करें, ये वैगनार है, देखिए इस पे लिखा हुआ है पीछे वैगनार, ये भी इंजेक्शन मोल्डेड है, और आप इसमें देखिए ये है इसकी
स्ट्रेंथ। अगर वीडियो में दिख रहा हो तो ये इतना तक सहन कर सकता है, जबकि जो थर्मोफॉर्मिंग वाले हैंड होल्डिंग वाले होते हैं उनसे सहन नहीं होता। तो वाइजर आप किसी भी गाड़ी का लें तो प्रॉपर आपको मॉडल के हिसाब से ही लेना होता है और आप इंजेक्शन मोल्डेड ही लें। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि अनब्रेकेबल है, ज्यादातर कंडीशन में नहीं टूटेगा, कम से कम इतने में तो नहीं टूटेगा, कोई सारे वारे लग जाए उससे टूट जाए वो तो काफी बढ़िया रहता है। तो इंजेक्शन मोल्डेड आप जिस भी गाड़ी का लेना चाहें उसके लें, जो भी पॉसिबल परचेज लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इसके बारे में कोई और क्वेरी है तो आप कमेंट करके हमसे उसकी डिटेल ले सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना कार एसेसरीज कार रिव्यूज की ऐसी डिटेल वीडियो देखते रहने के लिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद।